हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैंने सुबह से ही व्लॉग शुरू कर दिया है, तो बस किचन का काम शुरू हो चुका है। साइड में मैंने अपने बेटे के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, दूध गर्म हो रहा है। और अब मैंने साइड में घी भी बनने के लिए रख दिया है। तो एक्चुअली ये हमारा रात का दूध है, और जो आज सुबह आया है वो मैं उबाल के रख चुकी हूँ, आप साइड में देख रहे होंगे ना। तो बस बेटे का दूध निकालने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाने रख दी है। तो इतने घी भी रख दिया है धीमी आंच पे, तो वो बनता रहेगा। मैं नहा चुकी हूँ, घर का भी मतलब काफ़ी हद तक का काम ख़त्म हो गया है। तो अब बस चाय पानी पी लेते हैं। तो एक्चुअली आज इसलिए भी थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो रहा है ना, क्योंकि हस्बैंड आने वाले हैं आज, क्योंकि उनको वैसे वो बैठ चुके हैं, रात ही बैठ गए थे, पर हरिद्वार के तरफ है ना, जो बहुत ज़्यादा है ना वो हो रहा है, क्या कहते हैं ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो नहीं तो वो सुबह 8 बजे तक आ जाते, तो इसलिए अभी तक आए नहीं है। तो ये सब होता रहेगा, फिर मैं और अब और काम करते हैं, इतने स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो मेरी चाय भी बन गई है, ये क्लीन कर देती हूँ पहले इतने, ये मैं कपड़ा इसलिए रखती हूँ इसे किचन के लिए अलग है। तो मैं चाय कर लिए हैं, तो चलिए पहले चाय पीते हैं और आप तो चाय पी लीजिए। तो सुबह का जो टाइम है अभी, वैसे तो 9:30 हो चुका है और मेरा काम भी हो चुका है काफ़ी हद तक, बस सिर्फ खाना बनाना रहता है, जिसमें कि आपने अभी देखा ही होगा कि मैं दूध वगैरह सब उबल चुका है, मैंने घी बनने रखा है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद बस मैं खाना बनाना शुरू कर दूंगी। तो खाना मैं सोच रही हूँ, एक्चुअली है ना फली रखी है बहुत दिन से, तो मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि है ना फली बना लूँ तो अच्छा रहेगा। तो फली सोच रही हूँ, मुझे तो बड़ा काटने में ना आलस आता है पता नहीं क्यों, एक्चुअली जब से ना ये गए हुए हैं ना, तो मुझे ज़्यादा आलस आने लग गया है खाना पीना बना, इसीलिए ना दो जनों का खाना जो होता है ना वो समझ में भी तो नहीं आता कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, इसी वजह से है ना मैं यूँ थोड़ा सोचती रहती हूँ। तो आज सोच रही हूँ यार फली ख़राब हो जाएगी, रखी हुई काफ़ी दिन से रखी हुई है, तो मैं सोचूँ कि आज फली बना ही लूँ, फाइनली आज बना लूँ। तो भी बस काटना है, तो मैंने पहले चाय वाय पी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, मैं काफ़ी टाइम से जगी हुई हूँ। तो पूजा भी हो चुकी है, घर के क्लीनिंग भी हो चुकी है, थोड़ा बहुत रसोई का काम भी हो गया, बस इवन खाना बनाना रह गया। बेटे ने भी दूध पी लिया है पहले बेटी थी तो अगर वो दादी के पास चल जाती थी और ये टूर पे जाते थे ना, तो मैं अपना कुछ भी नहीं बनाती थी, चाय पी लिया, ब्रेड खा ली या फिर मैगी बना के खा ली, बस इतना ही रहता था। बट अब क्या है ना कि मेरा फिर भी चल जाए, पर बेटे को तो फिर बना के देना पड़ता है ना, तो इसलिए बहुत मतलब झंझट लगता है बहुत ज़्यादा ना दो जनों में समझने, थोड़ा बड़ा भी हो क्या प्रॉपर खाना खाता हो अच्छे से तो भी बनाऊँ अच्छे से, तो इसलिए। पर हाँ इसे रोटी वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए बनाना ही पड़ता है खाना। तो रात को तो मैंने दाल चावल बनाए थे, पर अब मैं फली और रोटी बनाऊँगी, फली की सब्ज़ी और रोटी। यार एक्चुअली मैं ना बाहर से आज मैं शूट कर रही हूँ, वैसे आज है ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ी सी आवाज़ है बाहर गाड़ियों वगैरह की, तो थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि आज है ना मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना कि बाहर बैठने का मन कर रहा, नहीं तो इतने बजे क्या 7 बजे यहाँ पे धूप आ जाती है, मेरे घर पे तो धूप आ जाती है 7 बजे, इवन 6:30 बजे शुरू हो जाती है और हीट महसूस होती है थोड़ी बहुत, पर आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और आज मैं बाहर बैठ के शूट कर रही हूँ, अजीब भी लग रहा है थोड़ा सा, बट कोई सोच रहा होगा वीडियो कॉल कर रही है तो पर आज का मौसम सही में अच्छा है, मन ही कर रहा है कि बाहर बैठो थोड़ा सा, हाँ मतलब पहले अभी थोड़ी देर पहले तो थोड़ा ठंडा भी था, अब थोड़ा सा है ना हीट लग रही है हल्की फुल्की महसूस हो रही, पर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है ना तो वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलो मैं आपको ना ऊपर का व्यू दिखाती हूँ, थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो इस वजह से मैं आज दिखा देती हूँ आपको, चलिए ऊपर चलते हैं। ये देखिए कबूतर आ गए हैं यहाँ पर, चल रहे हैं चुक चुक। ये है हमारे यहाँ का व्यू, आप देख सकते हैं चारों तरफ थोड़ा ग्रीनरी ग्रीनरी है,
बढ़िया है। चलो मैं आपको कबूतर दिखाती हूँ। ये नहीं दोनों हैं, पास नहीं रहूंगी, नहीं उड़ जाएंगे। गया आगे, गया आगे, गया। एक्चुअली यहाँ पे है ना दाने डालते हैं हमारे नीचे ऑनर जो है, तो इस वजह से कबूतर बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। पैरट भी आते हैं यहाँ पे, देखो वो दाना चुग रहे हैं नीचे ना, नीचे देख, यहाँ दाने डालते हैं इसीलिए। अभी मैं डाल देती हूँ, चलिए दाने डालते हैं। अब ये हमारी बेटी के पौधे हैं, ये देखिए, ये मेरी बेटी ने लगाए थे, तो ये हैं। मैंने एक्चुअली जब हम दिल्ली गए थे ना, तो मैंने ऊपर रख दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में अंकल आते हैं, मॉर्निंग इवनिंग ना, तो रेगुलर पानी डालते हैं यहाँ पे चिड़ियाओं को उसमें, तो के याद से वो इन पेड़ों में भी पानी डालते हैं। बहुत छोटे छोटे थे और देखो कितने बढ़िया हो गए हैं। इसमें इस कलर का देखो फ्लावर भी निकला है, ये इस तरीके के। ये तीन मेरी बेटी लगा के गई थी और रोज़ फ़ोन पे पूछती है, मम्मी ऊपर से आप ले आए नहीं है, पर मैं लेके नहीं आया। एक्चुअली मेरे को ज़्यादा शौक नहीं है गार्डनिंग का, तो हमारे नीचे वाले अंकल को बहुत है, वो बहुत लगाते हैं। ये उन्होंने लगा रखे हैं, ये उन्होंने लगा रखे हैं सारे ना। ये एक्चुअली वो हम करवा चौथ के मटके होते हैं, होई के मटके होते हैं, वो सब है। इनमें से एक दो मेरा भी है, तो जैसे ऊपर ही रख देते हैं ना, तो फिर अंकल यूज़ में ले लेते हैं, तो इसलिए हमें भी अच्छा लगता है कुछ लग गया इसमें। और यहाँ पे ना आम के पेड़ बहुत है, आप चारों तरफ नज़र घुमाएंगे ना, आपको आम आम के पेड़ नज़र आएंगे। और अगर ये सारे आम के पेड़ हैं, और हमारे यहाँ पे भी आम के पेड़ हैं। और हमारा जो जब हम एक्चुअली यहाँ पे 3 साल पहले आए थे, एक्चुअली हमें 3 साल हो चुके हैं, ये जो क्रिसमस ट्री है ना, ये बिल्कुल हमारे नीचे तक था, मतलब हम इसकी जो मेन चोटी थी ना वो हमें दिखती थी। और अब ये देखिए इतना बड़ा हो गया, बिल्कुल ऊपर तक चला गया, बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारे यहाँ पे पेड़ है, ये पेड़ अब तो इतना अच्छा लग रहा है, हरा भरा सा, बट जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, इसमें कुछ अलग ही है ना, एक मतलब रुई आती है, वाइट वाइट कलर की रुई आती है, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो इवन पूरे तरफ ऐसा जैसे स्नो हो रही है ना, इस तरीके का माहौल लगता है यहाँ पे, मतलब वो उड़ उड़ के जाती रहती है और ना खुजली वगैरह कर देती है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब है ना बेकार लगता है। और घर में भी भर जाती है, उड़ती है बिल्कुल, तो तब बहुत गंदा लगता है। तो यही है मसूरी, अगर आप देखें तो दिखेगी नहीं, क्योंकि शायद उधर बारिश हो रही है, तो वो पूरा धुंध से छा रखा है, पर है ना हमें मसूरी और बर्फ वगैरह गिरती है, तो हमें यहीं से पता चल जाता है, दिख जाती है मसूरी, है ना। मौसम आपको दिखाई दिया है कितना अच्छा हो रहा है आज का मौसम, आप ही बताइएगा अगर आपके इधर हो रहा है या नहीं हो रहा आज। मोस्टली वैसे मैंने देखा है कि मोस्टली आज का टाइम में सब जगह है थोड़ा सा ना मौसम ठीक है। सूट के बारे में बता रही थी ना, क्योंकि मुझे हल्के ही सूट और खुले खुले सूट थोड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसीलिए मैं इसको 2-3 सूट हैं जिनको रिपीट करती रहती हूँ, तो इसीलिए। और सलवार वाले सूट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, घर में कंफर्ट होते हैं, जैसे मर्जी बैठ जाओ यार। लेगिंग्स में है ना ऐसा लगता है सांस ही नहीं ले पा रहा शरीर, तो वो सिर्फ मैं बाहर के लिए ही प्रेफर करती हूँ, मतलब बाहर ही जाती हूँ तभी पहनती हूँ, मैं वैसे घर में नहीं पहनती, और इसीलिए। तो ये नहीं सोचना यार कि मतलब मैं रिपीट कर रही हूँ या उसी दिन का ये वीडियो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली सूट आप देखेंगे मैं रिपीट ही करती हूँ मैं ज़्यादा, और बल्कि जो थोड़ा नया होता है ना उसको तो मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है गर्मियों में, कि यार नया है ये तो करेगा, मुझे परेशान करेगा बहुत ज़्यादा इसी वजह से। तो चलें खाना पीना बना लेते हैं, सब्जी वगैरह काट लेते हैं जल्दी जल्दी, आज वैसे भी मुझे कटिंग करनी है, मतलब अर्जेंट में है, आई थिंक 2 दिन रह गए हैं उनको देना है, तो वो सब कर लेते हैं। और मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग सिलाई में इंटरेस्टेड हैं, और अगर सिलाई में इंटरेस्टेड हैं या आप सिलाई करते हैं या करना चाहते हो, तो मेरा एक सेकेंड चैनल है, एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट चैनल था, है सॉरी, तो आप उसको भी अगर आप चाहें आप
आपकी इच्छा हो तो आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो मेरा चैनल है वो पूजा अरुण्स लाइव करके हैं, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो अगर आप चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, विजिट कीजिए उस चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ करिएगा, और प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, और मेरे उस चैनल को भी प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर मैं खुद ही मैं अपनी स्टिचिंग की वीडियोस डालती हूँ और अच्छी से अच्छी समझाने की कोशिश करती हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। मैं उसका लिंक ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बस अब मैं सब्जी वगैरह काटना शुरू कर दिया है। बेटा है जो मुझे कैमरे से देख रहा है, इसलिए मैं उसी को नोटिस कर रही हूँ। तो बस अब ये फली फटाफट से काट लूँगी, खत्म। मैं उसी से ही बात कर रही हूँ तो वो मुझे कह रहा है, मम्मी आप ऐसे दिख रहे हो, आप थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, आप पूरे नहीं दिख रहे। तो इस तरीके से मैंने कहा कि तुम है ना मेरे कैमरामैन बन जाओ, फिर तुम मेरे आगे पीछे घुमा करो। तो मैं उससे मतलब बातें कर रही थी, क्योंकि क्या कहते हैं ना घर में भी, तो कह रहा था मम्मी आपकी लिपस्टिक नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं उसे इस तरीके से करके दिखा रही हूँ कि अब दिख रही है, अब दिख रही है। क्या है यार, बच्चे हैं, बच्चे पता नहीं कुछ क्या क्या उनके इमेजिनेशन चलती रहती है, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तो बस इसी वजह से उनके साथ वैसे ही करना पड़ता है। तो वो सजी टीवी देख रहे हैं, तो कभी कई बार होता है ना उनके कार्टून भी हमें अच्छे लगने लगते हैं। अब बेटा है बस घूम रहा है, आज इसे गर्मी लग रही है तो कपड़े नहीं पहन रहे, तो बस वो ही रह गया है, उसे कपड़े पहनाने हैं। तो मैंने कहा पहले खाना पीना बना देती हूँ फटाफट से ना, सब्जी इसे सब्जी को तो काटने में भी बहुत टाइम लगता है मुझे, इसीलिए ना इस तरीके की सब्जियाँ बड़ी बुरी लगती हैं। एक तो मेथी, पालक फिर भी ठीक है, मेथी, बथुआ, फलियाँ, मतलब जान खा जाती हैं यार ये सब्जियाँ, तो इन्हें तो एक्स्ट्रा टाइम तो इन्हीं के लिए चाहिए, करके रखो पहले। तो बस फलियाँ तो कट चुकी हैं, अब मैं बस सब्जी बनाना शुरू कर रही हूँ। तो कढ़ाई कर दी है मैंने, मैं तो आपको पता ही है कि मैं सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, तो प्याज टमाटर वगैरह इतने काट लेती हूँ जब तक तेल गरम होता है। अब तेल गरम हो गया है तो मैंने बस जीरा डाल दिया है थोड़ा सा, तो जैसे ही जीरा तो मतलब हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं इसमें बस प्याज डाल दूँगी, फिर प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएगी तो मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी। मैं बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, कोई ज़्यादा मसाले मसूले डाल के नहीं बना रही हूँ, तो क्योंकि बस फिर उसके बाद प्याज होने के बाद सीधा टमाटर डालने के बाद मैं थोड़ी देर ढक के रखूँगी जिससे ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इतने मैं फली वगैरह को धो चुकी हूँ और मैंने मसालों के डब्बे भी निकाल लिए हैं, तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं धनिया, हल्दी, मिर्च और नमक, तो ये सब मैं डाल दूँगी सब, मतलब ये फिर थोड़ा सा भुन जाएंगे, फिर उसके बाद मैं फली डाल दूँगी। तो फली वैसे मैं आप बॉयल करके भी बनाते होंगे बहुत से लोग, पर मुझे बॉयल करके पसंद नहीं है, मैं इसे इसी तरीके से मोस्टली बनाती हूँ। और बस कभी मैं पानी भी डाल देती हूँ थोड़ा, कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी देर अच्छे से पक जाए। तो बस अब मैं सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से धो चुकी हूँ, पर एक बार इसमें पानी रख लेती हूँ मैं, और सब्जी को डाल के चला के मैं थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करूँगी और फिर इसे ढक के मैं रख दूँगी बनने के लिए। साथ ही साथ मैं किचन भी साफ़ कर दूँगी, कपड़ों से अच्छे से डब्बों को क्लीन करके मैंने रख दिए हैं, जो भी सामान जहाँ का है वहाँ पहुँचा दूँगी। घी भी मेरा हो चुका है, मैं देख रही थी कि थोड़ा सा ठीक है ना, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तो मैं इस घी को छान लूँगी। मैंने देखा है बहुत से लोग रई से चला के पहले निकाल लेते हैं फिर उसको गर्म करते हैं, एक्चुअली वो तरीका मुझे अभी तक आता नहीं है, और ये घी वगैरह निकालना मुझे पहले से नहीं आता था, ये मेरे को बस मैंने आई थिंक जबलपुर में मैं रहती थी, सॉरी इंदौर में रहती थी, तो वहाँ पे मेरी ऑनर थी, तो मेरे बच्चे एक्चुअली कोई भी है ना दूध में मलाई पसंद नहीं करता, इवन मैं भी नहीं करती, तो कोई भी नहीं खाता था, और मेरे को ऐसी फेंकनी पड़ती। फिर उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं किचन में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ यार, तो उन्होंने मुझे बताया था यार फेंका मत किया कर, जोड़ लिए जमा किया कर और घी निकालना। मैंने कहा हाँ घी, तो उन्होंने मुझे बताया था इस तरीके से, दोनों तरीके से बताया था,
पर मुझे ये सबसे ज़्यादा है ना कन्वीनियंट एंड ईजी लगता है, तो मैं मलाई खट्टी जब से करने लग गई हूँ। और ये वाला घी वैसे सच कहूँ तो हमारे घर में कोई नहीं खाता इस घी को, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं खाते। एक्चुअली घी तो मैं खाती ही नहीं हूँ, बच्चे खाते हैं, इनके पापा खाते हैं बस। तो ये जो मैं घी निकालती हूँ ये वाला, तो ये मैं मंदिर के काम में लेती हूँ। तो अच्छा है ना, प्योर घी मिल रहा है भगवान जी के लिए। हम मंदिर में जो पूजा करते हैं उसको हम प्योर घी से कर लेते हैं। तो मैं इस घी को तभी मतलब बनाती हूँ, साफ़ सुथरी तरीके से इसे निकालती हूँ। सबसे पहले मैं मतलब मलाई निकाल के रख लेती हूँ रोज़ ही, तो मैं कभी भी उसमें झूठे वगैरह हाथ नहीं लगाती। और जिस दिन मतलब मुझे ये करना होता है ना, तो उस दिन मैं नहा के ही इस काम को ख़त्म करती हूँ। तो झूठे मीन्स के मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने खाना भी खा रही हूँ उन्हीं हाथों से ये लगा लिया, मीन्स मतलब साफ़ सुथरे हाथ धो धा के ही ये चीज़ें मैं काम करती हूँ। तो बस ये मैंने इस तरीके से दबा दबा के इसमें से घी निकाल चुकी हूँ, और इसको मैं थोड़े छान के, एक बार और छान के मैं जो डिब्बा है उसमें मैं भर लूँगी जो मंदिर वाला है। तो इस तरीके से बस मैं करती हूँ और ये हमारे काम आ जाता है, और मलाई भी वेस्ट नहीं होती है। तो ज़्यादा मलाई तो मेरे निकलती नहीं है, तो इसलिए मैं इसी तरीके से निकालती हूँ। अब जब तक इतने सब्जी बन रही है तो मैं आटा भी लगा लेती हूँ, साथ के साथ काम हो जाएगा, किचन भी मेरी क्लीन हो जाएगी जल्दी जल्दी ना। तो मैं आटे में नमक डाल के लगाती हूँ, तो मैं इतने इसलिए आटा मत लूँगी फटाफट से। अब बस मेरा काफ़ी हद तक काम ख़त्म हो गया किचन का, तो मैं अभी इसे क्लीन कर दूंगी साथ ही साथ में। तो क्या होता है ना कि बाद में वो नहीं रहता है, मैं साथ के साथ में क्लीन कर देती हूँ, तो ज़्यादा मतलब काम फैला हुआ नहीं दिखाई देता। और जब फाइनली काम लास्ट में हो जाता है तो अच्छे से कपड़ा मार देती हूँ, और अगर धोने की ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ साबुन से भी धो देती हूँ। ऐसा कोई कंपलसरी टाइमिंग नहीं है इसका, जब जैसा लगता है मैं वैसा कर देती हूँ। तो जब तक सब्जी बनती है, जो कुछ थोड़े बहुत बर्तन हो गए हैं तो मैं उनको क्लीन कर रही हूँ। मैं थोड़े बहुत सुबह मान चुकी हूँ बर्तन जो चाय वगैरह के सबके हुए थे, तो अभी भी ये बेटा भी काफ़ी ग्लास वगैरह कर देता है, तो उनको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो क्या होता है ना, साथ ही साथ में काफ़ी काम ख़त्म हो जाता है। अभी मैंने ये नीचे ही रख दिए हैं धो धो के बर्तन ना। एक्चुअली क्या है, ये बर्तन जो हैं टोकरे में है ना, वो सूख गए हैं। अगर उनके ऊपर फिर गीले बर्तन रखो ना, तो फिर वो पानी पानी के निशान चल जाते, तो अभी यहाँ पे पानी निकल जाएगा इनका। तो उसके बाद मैं इनको और रख दूँगी। तो ये थोड़ा बहुत इस तरीके से काम कर लेती हूँ मैं। तो बस ये सब बर्तन हो जाएंगे, इसके बाद बर्तन होने के बाद इतने सब्जी जब बन जाएगी, फिर उसके बाद सिर्फ रोटी बनाना रहता है। तो बस यही था मेरा आज मॉर्निंग का रूटीन, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और अगर और लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को। लाइक करने के और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है आगे बढ़ने की। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहिए। आगे मैं और नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी आपके लिए। तो चलिए, बाय, थैंक यू।